फिल्म एक डायरेक्टर के लिए तो फिल्म एक देवी होता है ना संजय जी, तो बच्चा तो अगर माँ को बोलेगा बच्चे को कितना ध्यान दे, तो बच्चा हो तो मेरा बच्चा हो तो हम पूरा मतलब गाना भी अंग है ना, पार्ट है, कहानी हो गाना हो जितने भी है, तो मेरा तो जीवन ही फिल्म के लिए है, तो पूरा ध्यान देते हैं, पूरे एक कंप्लीट फिल्म एक टीम वर्क है, अकेले की तो अकेले चना क्या भाड़ नहीं फोड़ता क्या होता है, लेकिन एक फिल्म जो है पूरा टीम वर्क है, तो हमारी जो टीम है फिल्म जो हम लोग बनाते हैं तो हर एक स्पॉट बॉय उसका भी योगदान रहता है, और हम तो देते ही हैं, कोशिश करते हैं अच्छी फिल्म बनाने के लिए। और हाँ एक और बात बहुत अच्छी बात है, अश्लील अभी बहुत हम पोस्ट देखता हूँ फेसबुक पे लिखते हैं बहुत, ऐसे लोग बोलते हैं लिखते हैं अश्लीलता के रूप करते हैं फेसबुक पे। अरे महाराज फील्ड में आइए, अभी हमने कुली नंबर वन बनाई है, यू सर्टिफिकेट से नवाजा गया इस फिल्म को, सेंसर बोर्ड ने दिया है, तो आप इस फिल्म के तो इस फिल्म के बारे में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, मैंने तो बोला भी फेसबुक में भी लिखा था यू सर्टिफिकेट दिया है इस फिल्म को, जो अच्छी फिल्में आ रही हैं तो उसके बारे में भी तो बोलिए, हर फिल्म में अश्लीलता। तो मैं विशेषकर जो हमारे श्रोतागण है जो हमारे भोजपुरी ऑडियंस है उनसे दरख्वास्त करूँगा कि एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखिए, और अगर आप लोग इस फिल्म को देखते हैं और बढ़ावा अगर देते हैं अच्छी फिल्म बनाने की, तो हमारे भी मनोबल बढ़ेगी ना जो अच्छी फिल्म बनाए, अगर आप असली फिल्मों का बढ़ावा देंगे तो मेकर्स क्या करेंगे, जिनका पैसा लगता है निर्माता क्या करेंगे, आप देखना ही बंद कर दीजिए ना असली फिल्में, तो अच्छी फिल्म बननी शुरू हो जाएगी। फिल्म कब तक रिलीज कर रहे हैं? फिल्म ईद में आ रही है 5 जून को, ऑल इंडिया रिलीज कर रहे हैं, जो बिहार हम लोग खुद रिलीज कर रहे हैं, प्राकृत फिल्म से रिलीज हो रही है बिहार, और बॉम्बे शरद जोशी जी कर रहे हैं, यूपी दिल्ली डॉक्टर करीम कर रहे हैं, कलकत्ता कुमार जी कर रहे हैं, पंजाब हरेंद्र सिंह कर रहे हैं, और नेपाल योगेश जी या क्या उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो हर टेरिटरी बिक गई है, बिहार हम लोग खुद कर रहे हैं, बिहार अपने पास ही रखें, बिहार हम लोग खुद रिलीज कर रहे हैं ईद में। जो पब्लिसिटी जो है वो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, पब्लिसिटी क्या पब्लिसिटी करेंगे फिल्म की, और क्या करना है, प्रचार प्रसार इसका अच्छा करना है, ऑडियंस को किस तरह, जो अभी ऑडियंस हमारे जो हॉल से नहीं आ रही है, थिएटर में आना बंद कर दी है, कोशिश रहेगी जो उनको अच्छी फिल्म एक बनाया हमने तो वो आकर देखें, हमें प्रोत्साहन दें। जरूर हम खेसारी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, काजल जी से रिक्वेस्ट करेंगे, और जो हमारे कलाकार हैं उनको करेंगे, अगर वो खेसारी जी तो हमारी दो दो फिल्म जिला चंपारण में भी बिहार गए हुए थे, राया जानी में भी उन्होंने समय दिया था, और इसमें भी देंगे, वो जरूर देंगे। और हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, कई निर्माता बिहार के जो सिनेमा बनाते हैं, बिहार में फिल्मों को शूटिंग क्यों नहीं करते हैं? बिहार में एक्चुअल क्या है, बिहार में मान लीजिए किसी स्टार खेसारी जी को हम लोग झारखंड में नहीं कर पाते हैं, बंगाल में अगर करते हैं हम तो बंगाल में भी शूट करते हैं उनको लेकर, तो वहाँ भी नहीं कर पाते, इनकी इतनी बड़ी स्टारडम है कि इतनी भीड़ जुड़ जाती है, और बिहार में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो प्रोटेक्शन मुझे मिलती है हम लोगों को शायद नहीं मिलेगी, हमने जो झारखंड से जो लगता है तो बिहार में इनकी पॉपुलरिटी और ज़्यादा है, तो इस डर के वजह से हम लोग बिहार में नहीं जाते हैं। काजल राघवानी जी क्या सोचते हैं? अच्छी एक्ट्रेस हैं काजल जी, और उन्होंने कुली नंबर वन में बहुत अच्छा उम्दा काम किया है, धन्यवाद काजल जी। उससे अच्छी आपकी मैडम है, उनको तो नहीं जानती हूँ। हमारी मैडम तो हाउसवाइफ है ना, वो है तो मॉरल सपोर्ट है ना, उनका साथ है इसलिए तो फिल्म बना रहे हैं, और वो तो ओरिजिनल हीरोइन है, हमारी घर की हीरोइन है। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पर्सनली क्या है, वो बहुत सपोर्ट करती है, मॉरल सपोर्ट करती है फिल्म, अगर जो इतनी भी हमारी कलकत्ता जो ऑफिस है हमारी मैक्सिमम मीटिंग जो हमारे घर पे ही होती है, तो जितना भी हम लोग बैठते हैं वे है तो टोटल लोगों का ध्यान चाय पानी एकदम वही करती रहती है सब, तो उनका भी एक सपोर्ट रहता है, हर शूटिंग में पहुंच जाती है। फीस देते हैं? फीस क्या है, प्यार है यार, शादी कर रहे हैं ना आप भी, अभी सगाई हुई है, शादी कर लीजिए, नवंबर में शादी होने वाली है ना, तो आप भी फीस दीजिएगा। फिल्म के निर्माता का कुछ कहेंगे? अरे हमारे वो फिल्म के निर्माता है सुरेंद्र प्रसाद जी, जो हमारी तीसरी एक साथ हम लोग तीसरी फिल्म कर रहे हैं, हमारे बचपन के दोस्त, और उनका बहुत मॉरल सपोर्ट रहता है सुरेंद्र जी का, उत्साह वो देते हैं जो अच्छी फिल्म बनाने के लिए, और कभी भी मैंने प्रोडक्शन में कभी उनका हस्तक्षेप नहीं रहता है, जो नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना है, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छे